चीन एक ओर तो भारत को सीमा समझौते का पाठ पढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ खुद ही इस समझौते का बार बार उल्लंघन कर रहा है। वो अपनी हरकतों से बाज आने के बजाय आए दिन कोई न कोई नया विवाद खड़ा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर चीनी सैनिकों की दादागिरी सामने आई। चीनी सैनिकों ने लद्दाख के देमचोक इलाके में अपनी दादागिरी दिखाते हुए यहां कुछ भारतीय चरवाहों को रोका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी है। चीनी सेना यानी पीएलए के सैनिकों ने देमचोक में सीएनएन जंक्शन पर सैडर पास के करीब स्थित चरगाह में जाने से भारतीय चरवाहों को रोक दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने चरवाहों की मौजूदगी पर आपत्ति भी जताई है। ये घटना 20 अगस्त की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना को लेकर दोनों देशों के आर्मी ऑफिसर्स के बीच कई बार बातचीत भी हो चुकी है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहीं एक रक्षा सूत्र ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच कोई आमना सामना नहीं हुआ है। सूत्र ने कहा यह स्थानीय स्तर पर कमांडरों के बीच मुद्दे को लेकर करने और एलएसी पर शांति बनाए रखने की एक नियमित बातचीत थी। ये प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में एलएसी के साथ नियमित रूप से होती रहती है। सीनियर ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि चरवाहे इस इलाके में हमेशा से आते जाते रहे हैं और साल 2019 में इसे लेकर हाथापाई भी हुई थी। इस बार फिर से चीनी सैनिकों ने चरवाहों को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये उनका इलाका है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से बॉर्डर पर टकराव पहले से ही चला आ रहा है। पैंगोंग झील इलाके में चीन और भारत की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ सीमा पर भारी हथियारों की तैनाती की थी। इस वक्त संवेदनशील एरिया एलएसी पर दोनों पक्षों की करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैनात है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य स्तर पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। हाल ही में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर के 16वें दौर की वार्ता हुई थी। आपको बता दें कि सेक्टर के कई क्षेत्र 15 जून 2020 को गलवान की घटना के बाद नो पेट्रोलिंग जोन में बन गए हैं, जब कई चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़पों में 20 भारतीय शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा पॉजिटिव वे पर लौटने और अपनी बात पर कायम रहने के लिए रिश्तों को आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और परस्पर हित पर आधारित होना चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चीन ने उत्तराखंड के ओली में अक्टूबर में अमेरिकी और भारतीय सेना के संयुक्त युद्धाभास को लेकर भी आपत्ति जताई थी, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।